रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम वाहिद थे कि जिन्होंने सलूनी का दावा किया। तारीख गवाह है कि जिसने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद सलूनी का दावा किया वो हमेशा रुस्वा हुआ। जनाबे शेख बहाई ने रवायत की है कि एक अरबी इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, या अली, आप सलूनी का दावा करते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि पूछो जो पूछना है, इससे कबल के मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। मेरा एक सवाल है कि अगर कुत्ता और बकरी से कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी हुलियत के बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया और फरमाया, ऐ शख्स, अगर उसकी हुलियत के बारे में जानना चाहते हो तो उसे खाने में देखो। अगर वो गोश्त खाता है तो वो कुत्ता है, और अगर चारा खाता है तो वो बकरी है। उस शख्स ने कहा, मैंने देखा है कि कभी गोश्त खाता है और कभी चारा खाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसका पीना देखो, अगर एकदम पीता है तो बकरी है, और अगर चाट कर पीता है तो वो कुत्ता है। लेकिन फिर उस शख्स ने कहा, मैंने देखा है कि कभी एक सांस में पीता है और कभी चाट कर पीता है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बच्चे को दूसरे रेवड़ों के साथ चलते हुए देखो, अगर इस रेवड़ से पीछे रह जाए तो वो कुत्ता है, और अगर उसके आगे या दरमियान में रहे तो वो बकरी है। वो देहाती कहने लगा, या अली, मैंने ये भी देखा है कि वो रेवड़ के पीछे भी रह जाता है और कभी दरमियान में होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसको बैठे में देखो, अगर अपनी अगली टांगे सीने के नीचे रखता है तो वो बकरी है, और अगर अपनी अगली टांगे फैलाता है तो वो कुत्ता है। उस शख्स ने कहा, ये भी देखा है कि कभी इस तरह बैठता है, कभी उस तरह बैठता है। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसको ज़िबा कर दो, अगर उसकी ओजड़ी है तो बकरी है, और अगर आंतड़े निकले तो वो कुत्ता है। अब ये वो वक्त था कि वो शख्स लाजवाब हो गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के इलम का कायल हो गया।